बेटा 2000 रुपए का क्या करोगे? मम्मी मम्मी, हमें हमारे दोस्तों के साथ मस्त पार्टी करना है। अरे बेटा, मेरे पास कैश भी नहीं है और ATM पास में भी नहीं है, और पीछे वाली गली में इतनी धूप पड़ रही है, मैं तो जाऊंगी तो काली पड़ जाऊंगी वहाँ पर। मुझसे तो नहीं चला जाएगा भाई, मैं तो नहीं दे पाऊंगी इतनी दूर, मैं तो नहीं जा पाऊंगी कैश लेने, मुझसे नहीं चला जाएगा। तुम्हारी माँ बीमार हो जाएगी, और क्या तुम चाहते हो तुम्हारी माँ बीमार हो जाए? अरे माँ, हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहते। हाँ माँ, हम ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते। मम्मी मम्मी, आप ऐसा करो, आप तुम्हारा ATM कार्ड हमको दे दो, हम खुद जाकर निकाल लेंगे। अरे बेटा, क्या करोगे दोस्त के पास जाकर? मम्मी, हम दोस्तों के पास जाके कोल्ड ड्रिंक और समोसा भी खाएंगे और डांस भी करेंगे। रुको बेटा, मैं अभी लेकर आती हूँ तुम्हारे लिए, ठीक है? अरे मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा था मम्मी इतनी जल्दी मान गई। हाँ हाँ, मुझे भी नहीं हो रहा यकीन, इतनी जल्दी कैसे मान सकती है। हाँ चलो देखते हैं मम्मी लाती हैं या नहीं। हाँ। यार बहुत देर हो गई, मम्मी अभी तक क्यों नहीं आई? चलो अपन चल कर देखते हैं। हाँ यही ठीक रहेगा। देखो बच्चों, मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आई, कोल्ड ड्रिंक और समोसा। लो खा लो, बेवजह 2000 रुपए का नुकसान होता, लो खा लो। और लो ये काम 50 रुपए में हो गया, मैंने तुम्हें बचा लिया ना खर्चा करने से। अब मेरी तरफ क्या देख रहे हो, चलो खाओ जल्दी जल्दी, खाओ जल्दी जल्दी। ये लो बच्चो, खा लो खा लो। गई अपनी पूरी पिकनिक। अरे यार, गई पूरी पिकनिक पार्टी, अब क्या करें, यही खा लेते हैं। अरे इसमें तो कुछ नहीं है, मम्मी को बोलकर आती हूँ मैं। मम्मी मम्मी देखो ना, शैम्पू सारा खत्म हो गया। अरे 2 महीने पहले ही तो डलाया था मैंने शैम्पू, इतनी जल्दी कैसे खत्म हो गया? मम्मी देखो ना, सारा खत्म हो गया, कुछ भी नहीं है उसमें। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा हो तो काट के दिखाऊं मैं। इतना जल्दी कैसे खत्म हो गया? मम्मी मम्मी मुझे 100 रुपए दे दो, मैं नया शैम्पू का डिब्बा ले आऊंगी। 100 रुपए क्या करेगी, ले 1 रुपए ले, एक पाउच लिया। मम्मी थोड़े और दो ना, ऐसे करके मैं कब तक लाती रहूंगी? लेना है तो ले ले, नहीं वो पास में खेत है ना, तो मिट्टी से जाके धो ले सर। ले वो, चल यहाँ से। बचा लिए ना मैंने इस महीने के 100 रुपए। मम्मी मम्मी मुझे नए कपड़े दिलाओ ना। अभी नहीं दिला रही, 4 महीने पहले ही दिलाए थे ना मंजू की शादी में कपड़े। मम्मी वो पुराने हो चुके हैं। पुराने हो गए तो क्या, तुम्हें पता नहीं सड़कों में फिरते हैं, वो 1-1 साल तक कपड़े नहीं लेते। मैं अभी नहीं दिला रही कपड़े, समझे ना। यहाँ से अरे निखिल भाई, इतने उदास क्यों बैठे हो? स्कूल में मेरी फंक्शन है और मुझे मम्मी ने नए कपड़े नहीं दिलाए। अरे निखिल उदास क्यों होते हो, हम लोग ना सिनेमा चलते हैं पिक्चर देखने, मम्मी जरूर ले चलेंगी हमको। चलो मम्मी से पूछ के आते हैं। मम्मी हमें थिएटर चलना है, अभी वो शाहरुख खान की मूवी लगी है ना, वो देखने। क्यों ना मम्मी हम PVR मॉल में चलें? कोई PVR नहीं चलेंगे, मैं कहूँगी ना वही थिएटर में चलेंगे, समझे ना। किसी दूसरे थिएटर में शाहरुख खान सलमान खान में तो नहीं बदल जाएगा ना। चलो जाओ, जाकर तैयार हो, दोनों चलने की तैयारी करो, चलो यहाँ से जाओ। चलो बैठ जाते हैं, मम्मी भी आती होंगी। अरे बेटा तुम दोनों रेडी हो गए? हाँ मम्मी। रुको 1 मिनट। अरे मम्मा ये क्या, टीवी क्यों चलाई तुमने? अरे वही पिक्चर आ रही है ना पड़ोस वाली दुकान पे, 5 रुपए में लेकर आई हूँ मैं इसको। मम्मी आपने तो कहा था थिएटर में चलेंगे। अब पिक्चर है थिएटर में देख लो चाहे टीवी में देख लो, शाहरुख खान सलमान खान में तो नहीं बदल जाएगा ना। लो अभी खाओ चिप्स, खाओ ये दोनों खाओ चिप्स, खाओ और देखो टीवी खाओ।
मम्मी मम्मी मुझे नई चड्डी दिलाओ ना, मेरी चड्डी फट गई है। हाँ बेटा अभी दिलाती हूँ, पास वाले ठेले की दुकान पे से लेकर आऊंगी। मुझे पुरानी चड्डी है ना, मुझे देना, पोंछा लगाने के काम में आएगी मेरी, ठीक है ना। मम्मी मम्मी मैं ये बटन वाला मोबाइल चला चला के मैं थक गई हूँ, आप मुझे स्मार्टफोन दिलाओ ना। मेरी सारी सहेलियों के पास बहुत अच्छे अच्छे फोन है, बहुत स्मार्टफोन है, मुझे भी ऐसा फोन दिलाओ ना, उनका बहुत महंगे महंगे फोन है। अरे बेटा नया मोबाइल लेकर क्या करोगी, ले इसको ही ले लो, इसको ही समझ लेना स्मार्टफोन है, चला लो इसको, फालतू पैसे खर्च करके क्या करोगी। पता नहीं इस लड़की को क्या हुआ, मैं तो पैसे बचाने की सोच रही थी।